नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आजकल एक परंपरा सी बन गई है, कोई भी पत्रकार जो आपके सामने सूचना लेकर आता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उसे भर भर कर गालियां दो, अपशब्द कहो, पैसे नहीं लगते कमेंट करने के, बिना ये जाने कि उस एक खबर के पीछे वो पत्रकार कितना खतरा उठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जानकारी हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं, जमीनी हकीकत पता करते हैं और कई बार तो अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, तब जाकर एक खबर आप तक पहुंचती है। कितनी जिम्मेदारी वाला काम है जो असल मायनों में पत्रकारिता करते हैं, वो आप तक हर खबर लाने में जान लगा देंगे, लेकिन सही खबर आप तक पहुंचाएंगे। कई बार तो संस्थान की तलवार भी एक पत्रकार पर लटकी रहती है और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बदले उन्हें मोटी तनख्वाह मिलती है तो आप गलत सोचते हैं। बड़े आराम से ये जो लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना कि कितना पैसा मिला, कितना पैसा आया, आसान है कहना। जिन्हें पैसा कमाना होता है वो पत्रकारिता नहीं करते और जिन्हें पत्रकारिता करनी होती है वो पैसे के पीछे नहीं भागते। ये सारी बात आज इसलिए क्योंकि जनता बड़ी आसानी से एक पत्रकार पर कुछ भी इल्जाम लगा देती है, लेकिन पत्रकार उस खबर के लिए क्या खतरा मोल लेता है, इसका उदाहरण सामने आया है डूंगरपुर से। यहाँ एक बेहद डरा देने वाली घटना घटी है। नील गाय का शिकार करने के बाद यहाँ झाड़ियों में छुपे लेपर्ड ने हमला कर दिया एक मीडिया कर्मी पर और उसे घायल कर दिया। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक जंग चलती रही और इसमें मीडिया कर्मी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वो डरा नहीं, उसने लेपर्ड को दबोच लिया और उसके ऊपर बैठ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उस तेंदुए को रस्सी से बांध दिया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लेपर्ड का रेस्क्यू किया, वहीं घायल मीडिया कर्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। घटना डूंगरपुर के भादर वन क्षेत्र के गड़िया भादर मेतवाला गांव की है। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह करीब 6:15 बजे गांव के मेघ तालाब के पास लेपर्ड दिखाई दिया था। वो एक नील गाय का शिकार करने के बाद झाड़ियों के बीच उसे खा रहा था और इसी बीच करीब 7:00 बजे उप सरपंच सहित गाँव के कई लोग उस जगह पहुंच गए। मीडिया कर्मी गुणवंत कलाल भी कवरेज करने मौके पर आए। करीब 7:20 पर लोग झाड़ियों में छुपे लेपर्ड को जंगल की तरफ भगाने का प्रयास कर रहे थे और इसी दौरान लेपर्ड जंगल की तरफ भागने के बजाय लोगों की ओर दौड़ने लगा और उसने भागते कलाल पर अटैक कर दिया। लेपर्ड ने गुणवंत के एक पैर को जबड़े में दबोच लिया। हमला होते ही दूसरे लोग तो दूर भाग गए, वहीं गुणवंत ने बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला किया, खुद को बचाने के लिए दूसरे पैर से लेपर्ड के जबड़े पर मारा और इससे पैर छूट गया, लेकिन लेपर्ड ने फिर से अटैक किया तो गुणवंत ने उसके जबड़े को पकड़ लिया और उसके ऊपर बैठ गए। इसके बाद करीब 5 मिनट तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा, वहीं दूर खड़े लोगों ने फिर हिम्मत दिखाई और रस्सियों से लेपर्ड को बांध दिया। काफी मशक्कत के बाद करीब 8:15 बजे लेपर्ड पर काबू पाया गया। इस जाबाज पत्रकार गुणवंत कलाल पर तो हमें फक्र है ही, लेकिन उम्मीद है उन सभी लोगों के भी मुंह जरूर बंद हो जाएंगे जो पत्रकार नाम आते ही कुछ भी उलझुल बक देते हैं, क्योंकि वो उस खबर से सहमत नहीं होते या एक पार्टी विशेष के प्रेम के कारण ऐसा करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पत्रकारों का काम है सच कहना या बताना, तो इन बातों से या नेगेटिव कमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैसा लगा आपको पूरा ये जो गुणवंत कलाल का बहादुरी भरा कारनामा था, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, जिस तरह से पत्रकारिता की उन्होंने लाज रखी, अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिए और पत्रकारों पर बढ़ते हमले, चाहे वो जुबानी हो, उस पर भी अपनी राय ज़रूर रखिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5,000+ की खरीद पर वर्थ 3,000 की स्मार्ट वॉच और 10,000+ की खरीद पर वर्थ 4,000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा LED टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को।